इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसका एक ही परम लक्ष्य होना चाहिए, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। हमारे जमीन से एक भी घास का तिनका भी वहां नहीं जाना चाहिए। वेल फ्रेंड्स, जब चिरंजीवी इस 1 मिनट के ट्रेलर नंबर टू यानी कि द ट्रेलर नंबर टू द बैटल फील्ड ऑफ सारा नरसिम्हा रेड्डी में कहते हैं, और जब उनकी शेर जैसी आवाज गूंजती है आउट ऑफ द वर्ल्ड, द विजुअल्स इन द ट्रेलर नंबर टू हमें ये दर्शाती है, ये अंदेशा देती है कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि दमदार और मजबूत डायलॉग बाजी भी होगी। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, मारना मारना महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है तो वो है जीतना। और जब उनकी आवाज गूंजती है, मारना मरना महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है जीतना, इट इज सुपर। फिल्म की शुरुआत होती है कि इस तरह से एक अंग्रेज कहता है कि इन हिंदुस्तानी लोगों का 300 गुना टैक्स बढ़ा दो ताकि दब के मर जाए, और हम अपनी जो शिप्स रहती है वहां पे एक ब्यूटिफुल इमेज आती है, बड़े बड़े शिप्स, यू नो जो एंशंट शिप्स रहती थी, यू नो बड़ी बड़ी, यू नो जिसपे वो झंडे लहराया करते थे, द विंड शिप्स, वो हमें दिखाए जाते हैं। अब पता नहीं VFX से क्रिएट किया गया है या फिर चरण और चिरंजीवी गारू जब उन लोग यू नो अब्रॉड गए थे, अमेरिका गए थे, वहां पर उन्होंने शूट किया है, और तब यू नो अंग्रेज कहता है यहाँ का जितना सोना है वो हम अपने वहां भेजेंगे यानी इंग्लैंड में, और चिरंजीवी कहता है यहाँ इस धरती का एक घास भी वो नहीं ले जा सके वहां पर। सुपर ब्रिलियंट सीन गाइज, फ्लाइंग एक्शन इज अ वेरी रेयर कमोडिटी इन इंडियन सिनेमा। हाँ, कंगफू में, यू नो जापनीज चाइनीज मूवीज में पतले पतले छरारे बदन के लड़के रहते हैं, यू नो कांडी फसली लोग, वो ये करते हुए काफी कन्विंसिंग भी लगते हैं, एंड उनकी फिल्मों में इस तरह का फ्लाइंग एक्शन देखा भी गया है। इंडियन फिल्म में इस तरह का फ्लाइंग एक्शन यानी कि हवे में दो तीन लोग उड़ते हुए तो देखा है, लेकिन एक व्यक्ति को इस तरह का यू नो जो वॉर एक्शन रहता है जहाँ पे स्वॉर्ड्स एंड फिस्ट फाइट होती है उसको इन एयर करते हुए आई हैव रेयरली सीन गाइस। यहाँ पे इन पर्सन इन क्वेश्चन इज अ 60+ ईयर ओल्ड मैन कॉल्ड एज चिरंजीवी हु हैज डन इट विद रियल ईज एंड एलान। बहुत ब्रिलियंट लग रहा है उनकी कोरियोग्राफी, एक्शन जिस तरह से हवा में उड़के मार रहे लोगों को, फैंटास्टिक। नंबर थ्री, यहाँ पे एक बुल सीन है। यस फ्रेंड्स, बाहुबली टू द कंक्लूजन में एक बुल का सीक्वेंस था, किस तरह से वो बुल्स यू नो दूसरे जो विरोधी लोग रहते हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, यहाँ पर भी उसी प्रकार का एक सीन रिक्रिएट किया गया है जो कि अद्भुत लगता है। अमिताभ बच्चन जी के शब्दों में कहूँ तो अद्भुत, अविश्वसनीय लगता है, बेहतरीन। चौथा पॉइंट, इस फिल्म में जो रोलिंग बोट्स रहती है, छोटी छोटी गोल नाव जो रहती है जो चप्पू के द्वारा चलाई जाती है, रात का सीक्वेंस है जब वो आक्रमण करने जाते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से दर्शाया गया है। विजय सेतुपति कितना फिरोशियस और कितना दमदार कलाकार है इस ट्रेलर की झलकी में दिख जाता है जब वो एक्शन सीन्स करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो आखिरी सीन जहां पे सायरा नरसिम्हा रेड्डी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो सीन देखते ही गूजबम्स आ जाते हैं, आपके रोंगटे लिटरली खड़े हो जाते हैं, और जब वो फांसी का फंदा हाथ में रख के चिल्लाता है, माइंड ब्लोइंग। लेकिन गाइस, इस ट्रेलर का जो सबसे महत्वपूर्ण टैगलाइन है जो मुझे यू नो सबसे बेहतरीन लगता है, और आई थिंक हर एक व्यक्ति को 2 तारीख को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, वो है कि इंडिया यूनाइट्स। सीरियसली, वो हमारा धन नहीं, हमारा स्वाभिमान भी है। गाइज, दिस फिल्म नीड्स ऑडियंस, लिटरली बोल रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया ऐसा लफड़े जिंदगी भर चलते रहेंगे, ऐसी फिल्में देखना बहुत ही जरूरी है गाइज। तो प्लीज, जब 2 तारीख को फिल्म आए, धर्म पक्ष यू नो किसी भी जात पात इस सब चीजों से दूर हटो, आप पढ़े लिखे लोग हो, ये नई इंडिया है, इस न्यू जनरेशन, ये सब पुराने जमाने में हुआ करता था, तू धर्म तेरा ये तेरी ये जात तेरी ये भाषा, तो अभी सब नहीं चलता है। ऑल एजुकेटेड पीपल मूव अहेड, वॉच गुड सिनेमा, वॉच गुड एंटरटेनमेंट, आई थिंक सायरा नरसिम्हा रेड्डी ऑफर्स एवरीथिंग। स्पेशली गाइज, यहाँ पर जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, दे डोंट लुक कैरिकेचरिश, यू नो वो जो अंग्रेज रहते हैं, हम आखो बाला ऐसा वैसा वैसा कुछ भी नहीं है। द गन्स, द कॉस्ट्यूम्स, द फोर्ट्स, जितने भी बैटल फील्ड्स हैं, आई मीन फैंटास्टिक मैन, दिस इज सिनेमैटिक एक्सेलेंस। आई कैनॉट वेट टू वॉच दिस फिल्म ऑन अ बिग स्क्रीन।
ये बहुत जबरदस्त फिल्म होने वाली है। ओके गाइस, सो लेट्स सी गाइस 2 तारीख को इस फिल्म का क्या अंजाम होता है। साउथ में तो फिल्म ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम रिकॉर्ड ओपनिंग है, नॉर्थ में बस मैं चाहता हूँ ऑडियंस इसे सपोर्ट करे। दोनों फिल्में देखी है, वॉर भी देखी है, साई नरसिम्हा रेड्डी भी देखी है, सपोर्ट गुड सिनेमा। फिर पसंद है तो क्या करना है, वहां जाके लाइक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, साई नरसिम्हा रेड्डी।